वेलकम स्टूडेंट्स, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आम का पेड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है और आप सभी बच्चों को ये कहानी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। पाठ का नाम है आम का पेड़। आम जो कि गर्मियों के मौसम में आते हैं और सभी बच्चों को आम खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखेंगे आपको आम के पेड़ की पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई होगी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। देखेंगे गर्मियों के दिन थे। आपको पता है कि आम जो है वो गर्मियों के मौसम में ही आता है। और सौरभ के चाचा जी जिनका एक बगीचा था उन्होंने वहाँ से आम तोड़कर एक टोकरी आम भेजे। आम जो थे वो बहुत ही मीठे थे और सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे और उसने अपने मन में क्या सोचा कि मैं भी आम अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। आप देख रहे हैं फोटो में कि उसने थोड़ी सी मिट्टी खोदी वहाँ पर, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। जब आप आम खाते हैं तो आम की गुठली रह जाती है, तो उसने ऐसे ही एक आम की गुठली जो है वो उस मिट्टी में डाल दी। और गुठली पर मिट्टी डालकर, मतलब गुठली क्या है, आम का बीज है। जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसके बीज को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो ऐसे ही सौरभ ने भी आम की गुठली जो कि आम का बीज है उसको जो है मिट्टी में डालकर उसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल दी और उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया। वे प्रतिदिन क्या होता है, रोज़। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, रोज़। सुबह वहाँ पानी डालता, कुछ दिन बीत गए। मतलब वो रोज़ वहाँ पानी डालता जहाँ उसने मिट्टी में गुठली को डाला था। तो कुछ दिन बीत गए पानी डालते डालते, आम का पौधा नहीं निकला। उसमें से आम का पौधा नहीं निकला तो उसने पानी डालना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि इतने दिन हो गए पानी डालते हुए पौधा तो निकला नहीं, तो उसमें पानी डालने का क्या फ़ायदा। जब हम कोई भी मिट्टी में बीज डालते हैं तो कुछ पौधों में जल्दी ही अंकुर निकल आते हैं, लेकिन कुछ पौधों को निकलने में बहुत समय लगता है। अब देखेंगे ये चित्र, इसमें देखिए बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हैं और यहाँ पर देखिए एक पौधा निकल आया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। वर्षा मतलब बारिश। आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में बारिश भी होती है। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। और सौरभ जो है वो बारिश के मौसम में घूमते घूमते उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। कोपल क्या होती है, जब नए नए पत्ते निकलते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोपल। तो लाल लाल मतलब लाल लाल रंग के पत्ते थे उसके। वैसे कैसे होते हैं पत्ते, हरे रंग के होते हैं, लेकिन आम के पौधे के पत्ते जो हैं जब वो निकले मिट्टी में से तो कैसे रंग के थे, लाल लाल रंग के थे। नन्हा सा पौधा मतलब छोटा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न मतलब खुश। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, प्रसन्न का मतलब होगा खुश। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। उसने जब देखा कि उसने जो गुठली डाली थी उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया तो वो बहुत ही खुश हो गया। और वो पौधा निकल आया चिल्लाते हुए कहते हुए वह अंदर की ओर भागा।
और अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर तो प्रिया भी बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे उछल पड़ी। सौरभ बोला, ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो, मतलब आज तुम दोनों बहुत खुश हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, आपको क्या लगता है कि पिताजी क्यों हंसे होंगे? क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम अगले ही वर्ष पौधे के आम खा लेंगे। अब उनके पिताजी ने उनको समझाया, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। वर्ष मतलब साल, 4-5 साल में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। मतलब उनको क्या लगा कि छोटा सा पौधा निकल आया और अगले ही साल इस पर आम लग जाएंगे। लेकिन नहीं, उनके पिताजी ने समझाया कि पेड़ को बड़ा होने में, पौधे को बड़ा होने में 4-5 साल लगते हैं, और उसके बाद जब, और इसका तना मोटा होगा। तना मतलब जो पेड़ का जो तना होता है, वो जो मोटा सा तना होता है, वो देखेंगे, ये होता है पेड़ का तना। तो वो कहता है कि जब इसका तना बहुत मोटा हो जाएगा, तब इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, शाखाएं मतलब उसकी ब्रांचेस जो होंगी, उसकी जो टहनियां होंगी वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। प्रिया क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसको लगा तो आम खाने के लिए तो 4-5 साल बाद मिलेंगे, तो वो थोड़ी उदास हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे, अवश्य मतलब जरूर खाएंगे। अब इस पिक्चर में देखो, सभी जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उसकी बहन, उसकी मम्मी पापा, सब मिलकर आम खा रहे हैं। तो कोई भी कार्य होता है, जब हम उसमें मेहनत करते हैं, उसे हम समय देते हैं, तो एक दिन हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही आम के पेड़ को बड़ा करने में भी जब मेहनत लगेगी, उसको 4-5 साल बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो उसके फल हम खा पाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, हमें जो है सब्र करना पड़ता है और सब्र का फल मीठा होता है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर जो बातचीत के लिए हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? तो सभी बच्चे अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं कि किसी को केला पसंद होगा, किसी को आम पसंद होगा, किसी को संतरा, किसी को चीकू, किसी को मौसमी, इस तरह से अलग जामुन, सब बच्चों को अलग अलग फल ही पसंद होंगे। तो इसमें आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है। वह फल आपको क्यों पसंद है, ये भी बताना है कि वो फल आपको, किसी बच्चे को कोई फल का कलर अच्छा लगता है, किसी को वो खाने में अच्छा लगता है, किसी को उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो आपको ये भी बताना है कि वह फल आपको क्यों पसंद है। दूसरा प्रश्न, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? आपके घर, कई बच्चों के घरों में शायद पेड़ ना लगे हों, पेड़ पौधे ना लगे हों, लेकिन कुछ बच्चों की बालकनी में, बगीचे में, घर के आगे पेड़ पौधे लगे होते हैं, या फिर विद्यालय में, विद्यालय में तो बहुत सारे पेड़ पौधे और लगे होते हैं। तो आपको उनके नाम बताने हैं कि आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। जैसे कुछ बच्चों के घरों में गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, या फिर और भी बहुत तरह के पौधे लगे होते हैं और पेड़ भी लगे होते हैं। जैसे अगर आपके विद्यालय में आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं और उनकी देखभाल कौन करता है, घर में पौधों की देखभाल कौन करता है और आपके विद्यालय में कौन देखभाल करते हैं। जैसे विद्यालय में
अगर माली पौधों की देखभाल करते हैं तो आप इसका उत्तर माली भी बता सकते हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि चित्र में कुछ आम तो धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, सोचो आप और सोच के इसका उत्तर बताओ कि आम जो है वो धरती पर क्यों गिर गए होंगे। कई बार जब आंधी आती है या तेज हवा चलती है तो जो पके हुए आम होते हैं वो झड़कर धरती पर गिर जाते हैं। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? आप सभी बच्चे बताइए क्या करेंगे। व्यक्ति हो सकता है कि आमों को इकट्ठा करके ले जाए और घर पर ले जाए और सबको खिलाए, या फिर उसको बाजार में बेचा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ तो बच्चे हैं, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो आम को उठाएंगे और मज़े से खाएंगे। इस तरह से हमने कुछ प्रश्न भी इसमें अपनी वीडियो में डिस्कस की। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।